वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ माय लद्दाख जर्नी। पिछले एपिसोड में मैं बैंगलोर टू दिल्ली बाइक राइड करके आया था और इस एपिसोड में मैं कुछ खूबसूरत लैंडस्केप होते हुए चलूंगा द पैराडाइज ऑन द अर्थ श्रीनगर फ्रॉम दिल्ली। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल डाल लेक की सनसेट भी तो देखना है ना। लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग ऑन रोम इज होम। वेलकम बैक टू ए न्यू डे ऑफ आवर लद्दाख राइड। दिस इज डे 4, जिसमें हम आज दिल्ली से जा रहे हैं जम्मू। प्लान तो हुई है, देखते हैं जम्मू तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। शुरुआत हमारा आज थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, इसीलिए क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। दिल्ली से शुरुआत करते टाइम अचानक बहुत ज़ोर से बारिश हुआ, इसलिए मैं थोड़ा भीग भी गया। सो अभी मैं दिल्ली से कुछ आई थिंक 30-40 किलोमीटर आ गया हूँ और फिर भी बारिश का आगे प्रिडिक्शन दिखा रहा है। काफ़ी क्लाउडी वेदर है। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि दिल्ली था मेरा बेस लोकेशन। और आप अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं बैंगलोर से डेली बाइक राइड चला के आया था और डेली में मेरे दोस्त के यहाँ रुका हुआ था कुछ 4-5 दिन। तो अभी प्रॉपर रेस्ट और बाइक वगैरह सर्विस करने के बाद मैं अभी दिल्ली से आज निकल रहा हूँ लद्दाख के लिए। सो इट्स ए वेरी एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी और सो फार राइड तो बहुत अच्छा गया है, मतलब जो बैंगलोर टू दिल्ली का जर्नी था। बाकी अभी तो रियल जर्नी शुरू होगा आगे से, मतलब जो एडवेंचर राइड और जिसके वजह से मैं आ रहा हूँ। सो दैट इज़ इट। हर बाइकर की तरह मेरा भी सपना था कि एक दिन लद्दाख करना है, वो भी अपने बाइक पर, और आज वो पूरा होने जा रहा है। मतलब मैं आज लद्दाख नहीं पहुंच रहा हूँ, ले नहीं पहुंच रहा हूँ वैसे, बट जर्नी की आज शुरुआत हो रहा है। सो आई एम प्रेइंग गॉड कि एवरीथिंग शुड गो स्मूथली। लेट्स सी। सो समय हो रहा है अभी 8:20 और मैं पहुंच गया हूँ मुरथल के पास। वैसे मैंने काफ़ी सुना था कि मुरथल के पराठे बहुत फेमस होते हैं, बट अभी मुझे लगता है रुक के मुरथल के पराठे अभी खा के जाने में लेट हो जाएगा मेरा। देखते हैं, फिर कभी अगर चांस मिला तो पक्का। पता नहीं ये हाईवे में जाम क्यों लगा है। सो मैं अभी पहुंच गया हूं कर्नल से थोड़ा आगे। मैं दिल्ली से जहां से स्टार्ट किया था आज आ गया हूं अराउंड 180 किलोमीटर मुझे लगता है। और समय हो रहा है अभी 9:30 एंड मुझे लग गई है भूख। साइड में मुझे अच्छे अच्छे ढाबा सब दिखने लगे हैं, मतलब वैसे तो इस हाईवे में बहुत सारे ढाबा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ढाबाएँ हैं जहाँ पे पराठे वगैरह खा सकते हैं। सोच रहा हूँ यहीं रुक के पराठे खा के फिर निकलते हैं क्योंकि ऐसे भी भूख भी बहुत तेज़ लगी है। ब्रेकफास्ट के बाद बैक ऑन रोड और काफ़ी डिलीशियस था यार। मैंने यहाँ पे पनीर पराठा खाया और यहाँ के जो पराठे होते हैं ना वो तंदूर के बने हुए होते हैं, उससे भी वो तंदूर का फ्लेवर थोड़ा आ जाता है तो और अच्छा लगता है। और मक्खन तो एकदम मार के दिया था उसके ऊपर, बहुत सही लग रहा था। एक ही पराठे में मेरा पेट भर गया क्योंकि पूरा एकदम अच्छे से वो स्टफिंग करके दिया था पनीर, और एक खाने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ। तो पराठा चाय वगैरह सब कुछ हो गया मेरा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैंने यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अभी मारेंगे टिल पठानकोट, आई थिंक यही NH है, इसलिए मैं नेविगेशन वाला जो फ़ोन है उसको निकाल के रख दिया क्योंकि उसका अभी ज़रूरत है नहीं। और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं देख रहा हूँ धूप एकदम पीक पे है, तो मैंने सब सनग्लास वगैरह सब लगा लिया और बाकी फ़ोन वोन जो भी नेविगेशन सब था सब ऑफ करके अंदर रख दिया ताकि गर्मी के मारे वो हीट ना होए। सो दैट इज़ इट, नाउ वी आर गुड टू गो। और आज का राइड तो अभी तक मस्त ही चल रहा है, मौज ही मौज एकदम। और भाई लोग आप बताओ, मौज चल रही कि नहीं? ये तो कहना ही पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। सुबह थोड़ा सा बारिश मिला वो तो चलेगा, क्या ही कर सकता। अभी दिल्ली में इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। इवन मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था कि लास्ट कुछ 2-3 साल से इतना बारिश नहीं हुआ था जितना इस साल अभी हो रहा है। ये एक अच्छी बात भी है ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, बट बारिश के वजह से जो इमिडिएटली जो इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे वाटर लगिंग इशू ये सब हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। अभी मैं हूँ कर्नल में, कर्नल के बाद शायद आगे आएगा लुधियाना, लुधियाना के बाद आई थिंक अम्बाला में भी
ये एक्चुअली एरिया मेरे लिए नया है, फर्स्ट टाइम ही मैं जा रहा हूँ। बस मैप में एक बार चेक कर दिया था तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही मतलब धीरे धीरे होके पठानकोट पहुँचेंगे, और पठानकोट के बाद मैं सोच रहा हूँ उसी पठानकोट और जम्मू के ऑन दी वे में ही कहीं पर अगर होटल लेके मैं रह जाऊँगा, और अगर नहीं मिला होटल तो देखेंगे आगे तक चलेंगे कहाँ। मैं अभी तक कुछ बुकिंग नहीं किया हूँ इसीलिए, सो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल ऑन दैट। अगर कहीं पे भी वो अच्छा होटल नहीं मिलता है तो श्रीनगर की तरफ चलता रहूँगा, जहाँ मिलेगा अच्छा होटल वहीं रुक जाऊँगा। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं अम्बाला की गेट, यहाँ पे वो धनु की जो एक स्टाइल बना हुआ है बो की तरह, ये मैंने आज तक बहुत सारे ब्लॉगर्स और बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स इन लोगों के वीडियोस में देखा था। और एक दिन मेरा भी मतलब सपना नहीं बोलूँगा, एक दिन मैं भी सोचा था कि मैं भी आऊँगा और ये क्रॉस करके जाऊँगा, एंड फाइनली द डे हैज अराइव्ड। सो नाउ आई एम एंटरिंग अम्बाला। एक फोटो तो यहाँ बनता है यार। तो अम्बाला में आपका स्वागत है, हरियाणा की बोर्ड। सो फार राइड इज़ सो गुड। हम लोग अम्बाला में एंटर कर गए हैं, टाइम हो रहा है 11:12। यहाँ रास्ता बंद हुआ है यार, पता नहीं था, इसलिए मैं डाउटफुल हूँ कि इतने सारे गाड़ियाँ थे, इस तरफ कोई नहीं है। किसान आंदोलन, अच्छा फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से ये बंद हुआ है अम्बाला पुलिस, क्या ही कर सकते हैं। मेरे मन में डाउट हुआ एक्चुअली, मैं बोला कि मेरे साथ इतने गाड़ियाँ जा रही थी, इतना ट्रैफिक था रोड पे, ये रोड पे ये कैसे हो सकता है कि मैं अकेला जा रहा हूँ। कोई ना, आगे से देखेंगे कहाँ से रोड जाता है। आई थिंक अम्बाला सिटी के अंदर होते हुए जाना होगा शायद। अंकल जी, लुधियाना जाने के लिए रास्ता पीछे, वो रास्ता बंद है क्या? तो बंद है, इधर से जाओ पल्ली साइड से। हाँ, दोबारा आएगा उसके साथ ही मुड़ जाना लेफ्ट साइड, वो जो HP पेट्रोल पंप है उसके बगल में। क्या पंप से आगे बाएं की तरफ मुड़ना है? धन्यवाद अंकल। इस तरफ से सीधा जाना है और आगे से लेफ्ट मुड़ना है वो पेट्रोल पंप से। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ लोकल लोगों से बात करके पता चला कि वो रोड जो मैं मेन हाईवे से जा रहा था वो 8 महीने से बंद है, और यहाँ पे एक अलग रूट दिखा रहा है अभी फाइनली मैं गूगल मैप लगाए। अरे बाप रे, अभी गूगल मैप ने क्या रूट बताया यार, साला कार मोड पे डाला था और ये वाला रूट सजेस्ट किया। गजब भाई गजब। चलो मेन रोड तक टच करवा दे बस। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, दिल्ली से इतने लोग अभी श्रीनगर जा रहे होंगे इस तरफ तो कैसे जा रहे होंगे। ओ भाई ये तो बंद है यार, पता नहीं भाई क्या कहाँ कहाँ घुमा रहा है गूगल मैप, बड़े संकट में पड़ गए यार। अभी अम्बाला के बाद यहीं घूम रहे सिटी के अंदर, मतलब ये सिर्फ मैं नहीं, अभी बहुत सारे 2-3 कार भी गए आगे और एक लोग भी गए, तो बहुत लोग फंसे हुए हैं यार। अभी गूगल मैप सब ट्रैफिक को इस रूट में डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ आगे एक लंबी जाम लगी है। ये देखो कितना जाम लगी है। आई थिंक ये हमेशा होता है या फिर आज ही सिर्फ इतना जाम लगा, भी मैं सोच रहा हूँ। ओ गॉड, फाइनली जाके अभी मैं NH 44 को कनेक्ट किया। आई थिंक आधा घंटा या लास्ट 45 मिनट से गूगल ने आप मुझे सब अंदर का रूट से यहाँ वहाँ डाइवर्जन कर करके यहाँ तक लेके आया, और फाइनली जाके ये NH मिला। टाइम अभी हो रहा है 12:50 और मैं पहुंच गया हूँ पटियाला के थोड़ा आगे हूँ, और यहाँ से जम्मू और है 360 किलोमीटर। टाइम लगेगा अराउंड 6 to 7 आवर्स। तो वही मैं देख रहा था ETA, अभी का ETA दिखा रहा है 7:30 PM या 8 PM के आसपास, फिर बीच में अगर लंच ब्रेक लूँगा तो और बढ़ जाएगा। मैं अभी पहुंच गया हूं लुधियाना के आउटस्कर्ट में, यहां से लुधियाना और 20-25 किलोमीटर होगा, और मुझे लगी है थोड़ी बहुत भूख, बट काफ़ी ज़ोर से नींद लग रहा है मुझे एक्चुअली। कल नींद तो ठीक ठाक हुआ था, पूरा नहीं हुआ था बट ठीक हुआ था, तो मैं वही सोच रहा हूं वहीं कहीं ब्रेक ले लूं, आगे कहीं अगर ढाबा कोई दिख जाए तो थोड़ा रुक के लंच भी कर लेंगे और रेस्ट भी कर लेंगे। हल्का फुल्का भूख तो लगी है यार। जो भी बोले, पंजाब के अंदर ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और जहाँ पे भी पेट्रोल पंप्स है वो सब पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट वगैरह काफ़ी अच्छा है। खाने का दिख नहीं रहा है, कोई ढाबा तो मुझे मिला नहीं, एक दो ऐसे KFC टाइप रेस्टोरेंट मिला बट वहाँ तो मुझे खाना नहीं है। पंजाब में आके KFC में खाऊंगा, ये मैं तो ऐसे टाइप नहीं हूँ भाई, मुझे खाना है यहाँ के राजमा चावल, कढ़ी चावल, मतलब जो प्रॉपर पंजाबी डिशेस होते हैं। यहाँ आके KFC मेरे से नहीं जमेगा।
गाइस मैं लंच के लिए यहाँ रुका था और यहाँ एक दो तीन चार नहीं पांच डॉगी हैं और उनका सब नाम है यहाँ पे चार्ली, बॉक्सर, बफी, रैम्बो। ओह नाइस, एक भूख रहा है पता नहीं किसको देख के। ये एक रेस्टोरेंट था, न्यू हाईवे वैष्णो ढाबा। मैंने यहाँ पे कड़ी चावल खाया, बहुत सही लगा, इट्स गुड। अब निकलते हैं आगे। अभी काफ़ी गर्मी है यहाँ, मतलब नाउ इट इज़ इन सेप्टेम्बर, फिर भी बहुत गर्मी है। सो लंच के बाद मैं आ गया हूँ अराउंड 60 किलोमीटर। मुझे कॉफ़ी ब्रेक चाहिए क्योंकि बहुत तेज़ नींद लग रहा है, पता नहीं क्यों, बस दो बार मुझे मतलब बहुत तेज़ नींद लगा है। ठीक है, देखते हैं चाय कॉफ़ी कुछ मिलता है तो ले लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा हो गया एक क्विक कॉफ़ी ब्रेक एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी, आई थिंक ये ट्रिप का तो सबसे बेस्ट कॉफ़ी यही है। मतलब एक कुल्लड़ में, इतना बड़ा कुल्लड़ में जैसे लस्सी जिसमें देते हैं ना, उसमें कॉफ़ी दिया था। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी था, मतलब कॉफ़ी तो बहुत अच्छा लगा, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप इस रूट में आ रहे हो, ये कैफ़े मारना, अपना कैफ़े, इवन उनका है इधर खाने का भी, अपना फार्म करके। खाना तो मैंने ट्राई नहीं किया बट कॉफ़ी बहुत टेस्टी था, बहुत सही था, एकदम चार्ज कर दिया मुझे, वो स्ट्रॉन्ग भी था और अच्छा भी लगा। लेट्स गो। अब हाईवे फिर से पकड़ते हैं, होपफुली और नींद ना लगे। इतना नींद लग रहा है ना आज मुझे, खाने से पहले भी नींद लग रहा था, खाने के बाद भी लग रहा है, क्योंकि आज का ये रोड बहुत अच्छा है। मतलब ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टिल अमृतसर, अभी मैं अमृतसर के आसपास पहुंच गया हूँ, मुझे बहुत सही रोड मिला। मतलब कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रगल करने का ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बीच में वो अम्बाला के पास डाइवर्जन के वजह से, मतलब वो जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट के वजह से वो रोड क्लोज था, तो उसमें थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, और एल्स रोड क्वालिटी वाइज बहुत सही था। तो मे बी उसके वजह से ही मुझे नींद लग रहा है, आई डोंट नो। बहुत देर बाद जाके ये टोल आया, हाँ, जालंधर अमृतसर टोलवेज लिमिटेड। तो आई थिंक लास्ट 200 किलोमीटर से एक भी टोल नहीं आया शायद। एक्चुअली मैं सनग्लास पहनना भूल गया, यही रुक के सनग्लास पहन लेता हूँ, आंखों में एकदम चुभ रहा है सनलाइट। क्या है, क्या है भैया, क्या है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली खा के आया हूँ तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। साले का खोपड़ी तोड़ दे। अमृतसर 10, गुरदासपुर 78, पठानकोट 119। अभी मैं पहुंच गया हूं अमृतसर सिटी। ये बेसिकली मैं अमृतसर सिटी को बाईपास कर रहा हूं और ये रहा एक बहुत खूबसूरत सी गेट। जैसे कि गोल्डन टेम्पल का ऊपर वाला हिस्सा है, वैसे ही ये गेट बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैंने दूर से एक फ़ोटो लेने की कोशिश किया, लग रहा था उतना अच्छा क्लैरिटी से तो नहीं है। एक्चुअली मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं अमृतसर में एक दिन का स्टे करके यहाँ पे गोल्डन टेम्पल अच्छे से एक्सप्लोर करके, और भी नियर बाई जो जो प्लेसेस है और यहाँ का लोकल फूड है वो एक्सप्लोर करके आगे बढ़ूँ, बट ऑफिस के चक्कर में मुझे ज़्यादा लीव्स नहीं मिल रहे हैं और बजट भी उतना, ज़्यादा दिन बाहर रहोगे तो बजट भी स्ट्रेच हो जाता है, तो इसी वजह से मैं काफ़ी कुछ कट डाउन करके चल रहा हूँ। मतलब मेन फोकस यही है कि लद्दाख सर्किट करना है, बीच में अगर मैं ये अमृतसर और बाकी अगर कोई प्लेस जो मुझे एक्सप्लोर करना है अगर वहाँ रुकता हूँ तो फिर एक एक दिन और डिले होगा, और जितना दिन डिले होगा उसके हिसाब से खर्चा भी बढ़ेगा। तो खर्चा तो फिर भी ठीक है क्योंकि एक बार आए हैं इस तरफ तो काफ़ी दूर आए हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करके जाना चाहिए, मेरा भी वही माइंडसेट है, बट वही कि टाइम भी मेरे पास नहीं है। सो देखते हैं, वैसे कोई लोड नहीं है, आराम से बाद में कभी भी हम अमृतसर आ सकते हैं, क्योंकि अमृतसर सिटी के लिए कम्युनिकेशन का इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डायरेक्टली फ़्लाइट बेंगलोर ओडिशा से है, तो मैं कभी भी आके अमृतसर घूम के जा सकता हूँ। सो देखते हैं, कोई ना, बाद में कभी अमृतसर आएंगे और अच्छे से जो भी यहाँ के सब टूरिस्ट प्लेसेस है वो कवर करेंगे। काफ़ी बढ़िया रोड है, दी रोड क्वालिटी और दोनों साइड इतने सारे ट्रीज, सीनिक तो है ही और स्मूथ भी है एकदम मक्खन की तरह। तो मैं यहाँ पे रुका था एक छोटा सा ब्रेक के लिए, बेसिकली सुसु लग रहा था तो रुक गया था। तो रुक के मैं मैप चेक कर रहा था, एक्चुअली मैं NH 44 पे अभी नहीं हूँ, मैं तब से जो बोल रहा था NH 54, ये एक अलग NH है, तो ये शायद कुछ तो लिखा
अच्छा गुरुदासपुर, अच्छा ये गुरुदासपुर बस स्टैंड है और मैं अभी हूँ गुरुदासपुर में, और पठानकोट आई थिंक यहाँ से और 50 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा शायद। मैं ये बोल रहा था कि मैं जो NH में अभी जा रहा हूँ ये एक डिफरेंट NH, ये NH 44 नहीं है, और मैं अभी चेक कर रहा था शायद NH 44 में ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर रोड कंडीशन अच्छा नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों गूगल मैप ने वो रूट को स्लोअर बता रहा है, तो इसी वजह से गूगल मैप ने मुझे ये रूट सजेस्ट किया और अभी मैं इस रूट में जा रहा हूँ। ये रूट जाके आगे कनेक्ट करेगा NH 44 को एक जगह आई थिंक पठानकोट के आगे में भी, फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ से मैं चेक कर रहा था कि जम्मू है 120 सम और किलोमीटर, विच विल टेक रफली अराउंड 3 आवर्स सम मिनट, तो मैं वही सोच रहा हूँ अभी टाइम 6 बजने को है, मैं अगर जम्मू पहुँचता हूँ तो रात का 9 बज जाएगा, देखते हैं। क्या क्रेजी सनसेट हो रहा है यार, फुल ग्रीनरी और मैं एक छोटा सा ऐसे फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और यहाँ से तो अलग ही व्यू है, इतना सुंदर व्यू था कि मैं यहाँ पर रुक गया। अब निकलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पठानकोट, और यहाँ से ये है पठानकोट की बाईपास, एक्चुअली आगे से अगर राइट लोगे तो पठानकोट सिटी के अंदर घुस जाओगे, तो जैसे कि मुझे जम्मू की तरफ जाना है तो मैं स्ट्रेट लूँगा। मैं जो बोल रहा था ना NH 54 आके ज्वाइन करेगा NH 44 को, दिस इज़ द प्लेस, या लखनपुर 11 जम्मू इज 102 किलोमीटर, और यहाँ पे मैं अभी कनेक्ट कर जाऊँगा सेम जो श्रीनगर हाईवे। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं NH 44 से दूर जाता हूँ ना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगने लगता है कि अरे कोई अलग रूट में आ गया क्या, क्योंकि शुरू से मुझे पता है NH 44 इज़ दी ओनली हाईवे विच स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक बेंगलोर से मैंने उसको पकड़ा और टिल श्रीनगर तक उसी के साथ ही आना था। सो इसीलिए कभी कभी अगर देखता हूँ कोई और NH में मुझे गूगल मैप डाइवर्ट करता है तब मैं थोड़ा सा डाउटफुल होता हूँ। ओ भाई क्या व्यू है यार, लवली व्यू। ये कोई रिवर है शायद, सूख गया एकदम, पानी नहीं है यार। पठानकोट तो बहुत सुंदर है। वी आर एंटरिंग जम्मू एंड कश्मीर। फाइनली हम लोग जम्मू कश्मीर वाला गेट एंटर कर रहे हैं। काफ़ी इसको मैं फ़ोटो वीडियो में देखा था और आज फाइनली ये चांस मुझे मिला। आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल मैन, एक फ़ोटो तो यहाँ बनता है। सो फाइनली वी एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से जम्मू है और 80 किलोमीटर आई थिंक। यहीं कहीं होटल अगर मिल जाए भी मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि आगे जाने का मुझे अभी और मन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड है, देख के मन कर रहा है खाने का, देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम जम्मू। जैसे कि आपने देखे कल मैं दिल्ली से पठानकोट बॉर्डर क्रॉस करके JNK का जो बॉर्डर है पठानकोट के बाद वो क्रॉस करके आगे आ गया था, और जम्मू से थोड़े पहले मैं अभी रुका हूँ, और जम्मू यहाँ से कुछ आई थिंक 40-50 किलोमीटर होगा, बट ये जम्मू के नियर बाई है। तो यहाँ पे एक होटल मिल गया मुझे और मैं ज़्यादा और कल इवनिंग के बाद सनसेट के बाद राइड नहीं करना चाहता था तो यहाँ रुक गया। होटल इज़ वेरी गुड, पूरा हाईवे साइड एकदम है, और ऊपर से मुझे कुछ 1200 रुपये में मिल गया, और डिनर भी मैंने यहीं पर किया, इट वॉज़ ऑल्सो गुड। सो आज का जर्नी और भी एक्साइटिंग होने वाला है। अभी मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा श्रीनगर के तरफ, और श्रीनगर पहुँच के दी मोस्ट ब्यूटीफुल दाल लेक भी एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स बिगिन। ये बेसिकली मैं जम्मू से कुछ 60-70 किलोमीटर पहले एक होटल मिला मुझे रोड साइड, और मैं वहीं पे रुक गया क्योंकि मैं इवनिंग को नहीं चाहता था ऐसे रूट्स में, मतलब जो मुझे अननोन हो उसके अंदर चलाना। ऊपर से मेरा नेविगेशन जो फ़ोन है उसमें जियो सिम था प्रीपेड, JNK एंटर करने के बाद प्रीपेड सिम्स काम नहीं करते, और मेरा जो पोस्टपेड एक है एयरटेल का वही काम कर रहा है बस। तो अगर आगे हुआ तो मैं श्रीनगर पहुँच के देखूंगा, अगर एक सिम अगर ईजिली मिल जाता है तो वहीं से ले लूँगा। बाकी सब चंगा एकदम, बहुत बढ़िया चल रहा है राइड। और भाई लोग आप बताओ मौत चल रही कि नहीं। तो आज का जर्नी है जम्मू टू श्रीनगर, बेसिकली दिस काथुआ टू श्रीनगर। सो मेरा अभी डिस्टेंस बता रहा है 286 किलोमीटर, 6 आवर 30 मिनट। सो इट इज़ 2:30 PM आई थिंक। तो मेरा प्लान ये कि वहाँ पहुँच के थोड़ा रेस्ट करके 4-4:30 बजे मैं दाल लेक घूमने जाऊँगा, और मैंने सुना था कि दाल लेक में जो सनसेट एक्सपीरियंस करने को मिलता है वो बहुत सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, तो कर लेते हैं, कश्मीर आए हैं भाई। सो दैट इज इट, लेट्स गो। तो
रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, बीच में काफ़ी सारे डाइवर्जन है फ्रॉम काथुआ मीन्स जे एन के बॉर्डर टू जम्मू। इसी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है रोड पे। और ये जा रही है आर्मी की एक कॉन्वॉय, क्योंकि अभी हम श्रीनगर के पास हैं तो अभी बहुत सारे हमें आर्मी चेक पोस्ट, आर्मी व्हीकल्स वगैरह धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सो मैं हूँ अभी सांबा सिटी में, ये एक्चुअली सांबा डिस्ट्रिक्ट है और लेफ्ट साइड में था सांबा सिटी। मैं बाईपास लेके अभी आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत सिटी है, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब जैसे पहाड़ों के बीचों बीच ये सिटी बसा हुआ है। सो ब्यूटीफुल। और ये कोई एक नदी है बट सूख गया है एकदम। यहाँ आप लेफ्ट में देख सकते हैं एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, ये है एम्स की बिल्डिंग। गाइस ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा कि कोई ट्रैक्टर के पीछे बस फिट हो रहा हो। ये देखिए, ये पूरी की पूरी बस ट्रैक्टर के पीछे फिट हुआ है और ट्रैक्टर उसको खींच के ले रहा है। सो क्रिएटिव। इट्स नॉट क्रिएटिव, इट्स एक्चुअली जुगाड़। नाइस। तो इसी बीच हमारे ये एंटायर जो ट्रिप है बैंगलोर से लेके 3000 किलोमीटर हमारा बाइक कंप्लीट कर दिया है, विच इज ए ग्रेट थिंग। मेनी मोर माइल्स टू गो। से मुझे गूगल मैप दिखा रहा है लेफ्ट, क्यों लेफ्ट दिखा रहा है, आगे लिखा है रोड क्लोज्ड फॉर कात्रा एंड श्रीनगर, वर्क इन प्रोग्रेस। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रस्ट ऑन गूगल मैप एक्चुअली। पूछ सकते हैं किसी को श्रीनगर के लिए रास्ता जा सकते हैं, कहां जाना है? श्रीनगर। श्रीनगर हाँ। लिखा हुआ था वहाँ क्लोज्ड है करके, चौथी से राइट होना, राइट होना है। चौथी मतलब चौथी जो हो रहा है ना, हाँ ये वाला, हाँ ये तीन पार करके चौथे से राइट हो, राइट हो जाएगा। अभी हम एंटर कर गए हैं जम्मू में, ये है जम्मू सिटी। और मुझे लग गई है थोड़ा बहुत भूख, सोच रहा हूँ यहीं कहीं रुक के ब्रेकफास्ट ही कर लूँ। हमारी तिरंगा एकदम लहराती हुई, बहुत सुंदर व्यू, लवली। जय हिंद। आप देख सकते हैं कैसे डिवाइडर के बीच में वो फ्लावरिंग प्लांट सब का पॉट हैंगिंग है, थोड़ा सा यूनिक लगा। अच्छा लगा। फाइनली अभी ये गेट आ गया है जो कि है जम्मू से बाहर जाने की गेट, यानी कि हम लोग को भी जम्मू के सिटी होके आगे बाहर, और ये NH44 को हम यहाँ पे कनेक्ट किए जो कि है श्रीनगर हाईवे। तो अभी इस पे अभी आई थिंक 82 किलोमीटर इस हाईवे में जाना है श्रीनगर के लिए। मेरे साइड में है एक जू जिसका नाम है जम्बू जू। मैं तो पहले सोचा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, जम्मू को जम्बू लिख दिए हैं, फिर दो तीन जगह देखा नहीं है, द नेम इज लाइक दैट जम्बू जू वेलकम्स यू टू द डिवोटीज ऑफ श्री अमरनाथ जी। मैक्सिमम बहुत सारे लोग इस तरफ अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए जाते हैं। इवन मैंने बहुत सारे डिवोटीज को भी आंधे हुए देखा। मेरे साइड में है IIM जम्मू, काफ़ी खूबसूरत है, एकदम जैसे एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। पता नहीं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, उस तरफ है। टाइम हो रहा है 9:30 और बहुत तेज भूख लगी है। यहाँ एक ढाबा मिला तो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, खा लेते हैं, नहीं तो आगे और मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया और ये था वो रेस्टोरेंट, अपना ढाबा कबूतर वाला, सूद वैष्णो ढाबा। अच्छा पता नहीं कबूतर वाला क्यों लिखा हुआ है, बट खाना इसका बढ़िया था। मैंने खाया आलू और प्याज की पराठा, उसके ऊपर मक्खन और घी भर भर के दिया था, बहुत टेस्टी था, इट्स रिकमेंडेड। सो अभी खाना पीना अभी हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर। मेरा होटल है 200 some किलोमीटर जो कि 5 आवर दिखा रहा है, सो प्रोबेबली भाई 3:05 3:10 में पहुँच जाऊँगा। और मैं नेविगेशन नहीं लगाया हूँ क्योंकि रोड यही है, आगे जब जरूरत पड़ेगा तब लगाएंगे। पता नहीं मेरा GoPro क्यों चार्ज नहीं हो रहा है पावर बैंक से, ये साला एक नया गड़बड़ी है, देखना पड़ेगा। सो फार राइड इज गुड। एंड और हाँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे जिस दिन मैं सागर टू दिल्ली आया था, उस दिन यमुना एक्सप्रेसवे यूपी में उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे लेने से पहले एक बंदा को मैं मिला था, वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सोलो कर रहा है लद्दाख ऑन हिमालयन 450 हिज न्यू बाइक। वो मुझे वहाँ पर मिला था, हम दोनों ने बातें किए, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किए, तो उसने उस टाइम बोला था कि अगर हुआ तो साथ मिलकर राइड करेंगे। और ऊपर से वो जैसे कि थोड़ा साउथ इंडिया में है तो उसको हिंदी उतना अच्छे से पता नहीं है, तो काफ़ी
लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता था, तो मुझे पूछ रहा था कि अगर मैं उससे ज्वाइन कर लूँ तो उसे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो मैं बोला हाँ ठीक है, साथ मिलके करते हैं। बट मेरा थोड़ा प्लान्स डिफरेंट था, मतलब ऑफिस का था, फिर वर्क फ्रॉम होम ये सब, तो उसके चक्कर में मैं उसको इमिडिएटली तो ज्वाइन नहीं कर सकता था। सो नाउ आई स्पोक टू हिम, अभी वो श्रीनगर में आज रेस्ट कर रहा है। लास्ट वीक ही निकल गया था दिल्ली से, निकल के वो डलहौसी और बाकी कुछ प्लेसेस उस तरफ वो कवर करके आके अभी श्रीनगर में रेस्ट कर रहा है। होपफुली वी बोथ कैन राइड टुमारो, लेट्स सी। तो आज मैं जा रहा हूँ उसी के होटल में, मतलब एक डॉम टाइप वो होटल लिया है जहाँ पे वो स्टे कर रहा है आज। तो आज मैं वहीं जाके उससे मिलूँगा, फिर वहाँ से आज हम दोनों वहीं पे, मतलब अगर हुआ तो दाल लेक घूमने जाएंगे, फिर उसके बाद कल शायद कारगिल के लिए निकलेंगे। भाई यहाँ थोड़ा रोड गड़बड़ है, ध्यान से चलाते हैं। धूप एकदम भाई कड़क धूप हुआ यार, अभी चल रहा है सितंबर मिड, और अभी अगर ऐसा धूप मतलब लग रहा है तो सोचो पीक समर जून में क्या हालत होता होगा। यहाँ एक्चुअली पोल्यूशन कम है, जब सनलाइट हीट करता है ना एकदम डायरेक्टली हीट करता है। हे प्रभु ओहो हो क्या व्यू है भाई, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू, व्हाट ए कर्व, सो सेक्सी। कॉर्नरिंग करने में अलग ही मजा आ रहा है इस पर, बस थोड़ा अगर टायर मेरा और नया होता ना एकदम सुला देता इसको इस कॉर्नर में। व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। ये आ गया एक टनल T1, छोटा सा टनल है। जम्बू जू, डोंट फीड मंकीज के। कितने हाइट में ये ब्रिज बना हुआ है देख रहे हो, मानना पड़ेगा। ये आ गया दूसरा टनल T2। अच्छा और एक टनल है, कितने टनल मिलेगा भाई। वहाँ इतने हाइट पे एक रेलवे ब्रिज है, मतलब सोचो कैसे बनाए हैं वो ब्रिज। वहाँ से जब ट्रेन में जाओगे ना अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा यार। अब तो कश्मीर मतलब शुरू हुआ है, आगे आगे तो और भी सुंदर व्यू दिखेगा। सो मैंने फ्यूल अप कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे एक HP की पेट्रोल पंप थी और यहाँ पेट्रोल है 95.77। और मैं वैसे बात कर रहा था आगे पेट्रोल पंप के बारे में, वो बोले थे कि आप भी आजकल तो बहुत पेट्रोल पंप खुल गए और प्रॉब्लम नहीं है, ले तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले के आगे अगर कोई नुब्रा या पैंगोंग जाते हो तो उस टाइम थोड़ा कैरी करना पड़ेगा कभी कभी। और बाकी वो बोल रहे थे कि पेट्रोल का प्राइस श्रीनगर जाओगे तो और बढ़ेगा, और आगे आगे जितना जाओगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल को यहाँ से कैरी करना पड़ता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो उस पर लगा के लेते हैं। टाइम हो रहा है अभी 11:07 और मैं पहुँच गया उधमपुर। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये है उधमपुर सिटी। मैं बाईपास लेते हुए जा रहा हूँ श्रीनगर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इवन मेरा प्लान था कि अगर Day 1 में मैं जम्मू क्रॉस करके उधमपुर में रुकने का, तो ये कि डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अगर बहुत अर्ली ना निकल रहे हो तो पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यू बहुत सुंदर है जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा बड़े बड़े माउंटेन्स है। वैसे व्यू को देखते देखते ध्यान भटक जा रहा है। अभी मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये रास्ता धीरे 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 एलिवेशन वाइज हाइट पे चढ़ा रहा है, और आई थिंक आई एम नियर टू पटनी टॉप मे बी, उधमपुर से कुछ 20-30 किलोमीटर आगे। और टेम्परेचर डिफरेंस में फील कर पा रहा हूँ, काफ़ी ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा है। ये हम आ गए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। मैं सुना था कि ये टनल एक बहुत बड़ी टनल है, कुछ 6 किलोमीटर लंबी है ऐसे कुछ। ये टनल श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। अरे ऑफरोडिंग यहीं से शुरू हो गया यार। श्रीनगर 140 किलोमीटर टू गो एंड आई थिंक वी आर इन रामबन बागलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
ये है मेरे साइड में चेनाब रिवर, काफी खूबसूरत दिखती हुई। मैं सेटलिंग कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए आपको भी दिखा पाऊँ। एक्चुअली वो पीछे से अच्छे से दिख रहा था, अभी आगे आ गया। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। ये रहा वो रिवर। ये देखिए मेरे साइड में रिवर की व्यू, काफी तेज है। मैं हूँ बनियाल से थोड़े पहले और यहाँ लगी है बड़ी सी जाम। देख के लग रहा है तो 1-2 किलोमीटर से ऊपर होगा। देखते हैं साइड साइड से जाने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक जा पा रहे हैं। भूख तो मुझे लगा नहीं बट बहुत तेज प्यास लगी है। आई थिंक पीछे एक्सीडेंट हो गया या फिर पता नहीं रोड में कुछ हुआ शायद, इसलिए जो भी लोकल गाड़ियाँ हैं वो इस तरफ फिर वापस मुड़ के जा रहे हैं। और एक बंदे ने मुझे अभी बोला कि इस तरफ मत जाओ और यहीं से यू टर्न लेके आगे एक रास्ता है वो ले लो। तो अभी मैं इसलिए यू टर्न लेके वापस जा रहा हूँ और उनको फॉलो करूँगा। तो अभी ये एक नया रूट है, शायद इंटरनल कोई रोड है और ऊपर से बहुत ही टूटा फूटा और स्टीप है और ऐसे कार के पीछे जाना थोड़ा मुश्किल है। अरे बाप रे बाप, तो टॉप में कार फंस गया, निसान का मैग्नाइट अभी फंस गया, इसके वजह से वो पीछे सिर्फ आ रहे और बाकी कार कोई ऊपर नहीं जा पा रहे। इतना स्टीप है देख रहे हो, और ऊपर से साइड में कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। ओ भाई वो देख रहे हो, वो लगी है जाम वहाँ से ऐसे ऐसे वहाँ, यहाँ ऊपर से तो लग रहा है 3-4 किलोमीटर। अरे बाप रे वहाँ तक जाम लगी है। आई थिंक बनियाल वो टनल से पहले पूरा जाम लगी है। वैसे अच्छा हुआ मैं इस तरफ आ गया, बट वही कि मेरा हाथ पैर एकदम दर्द करने लगा है, तब से चला चला ब्रेक लेना है। बंदा रॉयल इनफील्ड में आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, पानी चाहिए उसको। स्लोली स्लोली आप समझ। तो क्या हुआ था ना, वो एक राइडिंग ग्रुप जा रहे थे, उसमें से सब स्पेन से थे, आई थिंक स्कॉटलैंड या स्पेन पता नहीं कौन सा कंट्री वो बोल रहा था। तो उनको इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा है, सो एक ग्रुप जा रहे हैं, उनके बैकअप व्हीकल भी उनके पीछे था। शायद एक बुढ़ा था, मतलब अराउंड होगा 60 के अबव, और वो ऐसे रॉयल इनफील्ड का वो क्लासिक 350 लेके जा रहा था। वो ऐसे इस तरफ साइड में आ गया और दूसरी तरफ से कार आ रहा था, तो कार मतलब ठोक देगा इसी डर से उसने इतना पैनिक ब्रेकिंग किया कि उसका शायद ABS नहीं था या फिर पता नहीं, गाड़ी स्किड करके वो नीचे गिर गया। तो बुढ़ा एकदम पैनिक हो गया था, पूरा एकदम डर रहा था भाई। फिर मैं उसको पूछ रहा हूँ कि आर यू ओके, डू नीड वाटर। फिर वो समझ नहीं पा रहा था शायद, या फिर पैनिक की वजह से कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर मैं पानी लेके उसको दिया, फिर उसने पानी पिया, फिर थोड़ा शांत हुआ, उसका बाइक और सामान उठा के बैकअप व्हीकल भी आ गया था। फिर उसने बोला कि हाँ हम लोग यहाँ से हेल्प कर लेंगे, आप जाओ। देख रहे हो पहाड़ के ऊपर से शहर कितना खूबसूरत दिख रहा है, वही सेम चीज़ अभी हम लोग उसके साइड में रोड में जाते तो इतना खूबसूरत नहीं दिखता जितना। अरे भाई कहाँ जाना है, हाँ नीचे ही जाना है, मैं डर गया बातें करते करते फिर गलत टर्न ना ले लूँ, क्योंकि पहाड़ों में फिर गाड़ी घुमाना और वापस मुड़ना भाई नाक के बराबर काम है। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 4-लेन हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब बाईपास कर देगा सिटी को, और काम बाकी है। आई थिंक अराउंड 1-1.5 घंटे बाद फाइनली जाके हम लोग ये NH 44 के रोड में कनेक्ट किए। वो भी बहुत जाम है आगे, ऐसे नहीं कि खाली है, पूरा उस तरफ से गाड़ी बहुत है। पता नहीं ये बनिहाल में हमेशा ऐसे जाम होता है या फिर आज अचानक ऐसे कुछ हुआ है इसलिए। ओहो हालत ख़राब हो गया था यार जाम में गाड़ी चला चला के। पहलगाम के लिए रोड इस तरफ है और श्रीनगर इस तरफ, और यहाँ से श्रीनगर है और 55 किलोमीटर। सही में यार कितना खूबसूरत है कश्मीर, कितना खूबसूरत है ये एरिया, वही मैं सोच रहा हूँ। अनबिलीवेबल, टेम्परेचर भी हल्की हल्की ठंडी है, अभी दोपहर के टाइम है इसलिए थोड़ा धूप के वजह से गर्मी लग रहा है, नहीं तो इट्स वेरी स्वीट टेम्परेचर हियर। ये जो स्ट्रेच आप अभी देख पा रहे हैं ये फ्लाइट्स के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया है। दूर में मुझे माउंटेंस दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो स्नो नहीं है बट दिखाई दे रहे हैं।
जो शायद कैमरा में नहीं आ रहा होगा, बट इट इज लुकिंग सो एस्थेटिक मैन, सो एस्थेटिक। और यहाँ आर्मी की कैंप है लेफ्ट साइड में। देख रहे हो कितना खूबसूरत लैंडस्केप है ना, मतलब ग्रीन दिख रहा है, जैसे लग रहा है पिक्चर खींच के उसका कंट्रास्ट बढ़ा दिया है, शार्पनेस और कंट्रास्ट बढ़ा दिया है। ये रूट एक्चुअली श्रीनगर की तरफ जाता है, बट मेरा जो होटल है वो थोड़ा सा श्रीनगर के आउटस्कर्ट में है। वो बेसिकली एक हॉस्टल है जहाँ पे मेरा दोस्त रुका हुआ है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और 5.4 किलोमीटर, ये है NH1। सो आई एम क्लोज टू माई होटल, अभी 3:40 टाइम हुआ है। होटल में पहुँच के थोड़ा फ्रेश अप होके रेस्ट करके मैं निकलूँगा दाल लेक अराउंड 5 या 5:30 के अराउंड। देखूंगा जब सनसेट होने को होगा उससे कुछ देर पहले ही निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से दल लेक और 5-10 किलोमीटर होगा शायद, मतलब आधा घंटा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी हम आ जाते हैं दाल लेक सनसेट देखने के लिए, और दाल लेक की खूबसूरती कुछ ऐसा था। दाल लेक में कुछ समय बिताने के बाद फिर हम वहाँ के आसपास कुछ स्ट्रीट फूड्स भी ट्राई करते हैं, और फिर डिनर के लिए आते हैं वन ऑफ ए मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट इन श्रीनगर, मुगल दरबार। और वहाँ आज पर दी रिकमेंडेशन यहाँ के सबसे पसंदीदार जो मील है वाजवान, वो ट्राई करते हैं। क्वांटिटी और टेस्ट दोनों जबरदस्त था। ये जो पीसेस है वो कबाब है, और वो सीख कबाब है ना? हाँ, ये मटन चॉप है, सीख कबाब है, वाजा चिकन है, कोरमा, प्लेन राइस है, पुलाव राइस दोनों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगले एपिसोड में हम कारगिल जाने वाले हैं, जिसमें कारगिल वॉर मेमोरियल भी होगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।